इस साल सोयाबीन का उत्पादन घटने की आशंका है। सरकार की ओर से लगाए गए उत्पादन के पूर्व आंकड़ों में गिरावट आ सकती है। दरअसल इस साल बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है। राजस्थान में इस साल सोयाबीन का उत्पादन 15 से 20 फीसदी कमजोर बताया गया है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार 2022-23 के खरीफ फसलों के उत्पादन में 1.7% गिरावट के साथ 64,26,00,000 टन रहने का अनुमान है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इस साल सितंबर में 125,00,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले साल से करीब 4.5% ज्यादा था। लेकिन बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे सोयाबीन की उत्पादकता में कमी आ सकती है। वहीं इस साल 123,30,000 टन सोयाबीन पैदावार का लक्ष्य हो सकता है, जो पहले लगाए गए अनुमान से करीब 1.2% कम है। हालांकि सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल से 3.30% ज्यादा है। बेमौसम बारिश से राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन 1.5 लाख टन घटने का अनुमान है। वहीं वर्ष 2022-23 में राजस्थान में अब 8,30,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पहले 9,80,000 टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 47,90,000 टन तो महाराष्ट्र में 57,40,000 टन सोयाबीन उत्पादन होने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में उत्पादन पहले लगाए गए अनुमानों के मुताबिक ही फिलहाल होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।